आखिर किसी को इग्नोर करना हो या फिर किसी को जवाब देना है तो पूरे बिग बॉस के कंटेस्टेंट खेसारी लाल यादव से सीखें। जी हाँ, जहाँ सभी को ये शिकायत थी कि खेसारी लाल यादव स्टैंड नहीं लेते, तो भाई अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो वो टैब पे जाके देखिए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जो गेम खेसारी कल खेले वो किसी लीडर से कम नहीं खेले। आपको याद होगा कि खेसारी लाल यादव से जब हिमांशी ने पूछा कि खेसारी जी क्या आप बेडरूम साफ़ सफाई और बर्तन का काम करेंगे, तब खेसारी ने कहा नहीं। हिमांशी ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर खेसारी से उन्होंने पूछा, फिर खेसारी ने कहा नहीं, और फिर हिमांशी आई और खेसारी पे चिल्लाने लगी। फिर खेसारी ने कहा कि क्या आपको सुनाई कम देता है, मैंने यहाँ नहीं बोला और सभी ने सुना ये बात, और सिर्फ आप ही ऐसी थी जिसे नहीं सुनाई दिया। फिर ये सब तो ठीक था, लेकिन बाद में बात बढ़ती गई। फिर कुछ देर बाद हिमांशी आई और फिर खेसारी लाल यादव को उनकी ड्यूटी समझाने लगी, और तब खेसारी लाल यादव से उन्होंने कहा कि मैं आप ही को कह रही हूँ, मैं आप ही को कह रही हूँ। खेसारी लाल यादव ने ये प्रिटेंड किया कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। भाई जब उनकी बारी थी तब तो हिमांशी ने नहीं सुना, और जब खेसारी की बारी है तो क्यों हिमांशी की वो सुने। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है, उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं वो कार्य नहीं करूँगा, और बात बढ़ती गई। फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव को हिमांशी ने कहा कि आप में तो कोई क्वालिटी नहीं है, आप जिसकी तरफ जिसका पल्ला भारी रहता है उसी की तरफ चल देते हैं। तब खेसारी लाल यादव ने उन्हें सुनाते हुए कहा, जैसे लग रहा है आप तो बहुत अच्छी हैं, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है। फिर ये बात बढ़ते बढ़ते बढ़ती है और खेसारी लाल यादव कहते हैं, आप तो सत्य की देवी हैं, मूर्ति हैं, आप तो सती अनुसुईया हैं, क्योंकि इससे पहले खेसारी ने अभी तक किसी से झगड़ा नहीं किया था। खेसारी शांत थे, खेसारी चुप थे, और तब सभी को खेसारी का इस बार एक अलग रूप दिखा कि जिसने हिमांशी को मुँह तोड़ जवाब दिया। इसी शायद मुँह तोड़ जवाब की उम्मीद खेसारी से बहुत पहले ही की जा रही थी, लेकिन खेसारी एक जेन्युइन इंसान है, वो उनकी कैटेगरी में इस तरह की चीज़ें शायद ही नहीं आती हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।